रिवाइज शेड्यूल होने के बाद आखिरकार कम से कम ये कंफर्मेशन हुआ कि कुछ मैचेस जरूर होंगे, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। स्क्वाड अनालिसिस जरूर करेंगे, 14 मैन की स्क्वाड अनाउंस हो गई है जो अब तक आप लोगों ने देख भी ली होगी। खैर, लेकिन मेन यहाँ पर बात है कि अनालिसिस करके देखते हैं कि आखिर कौन सा प्लेयर किस तरह का यहाँ पर पिक किया गया है, खास करके कंडीशन और दौरों को देखते हुए। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर रिवाइज जो शेड्यूल है वो आप सबको पता चल गया होगा, हमने भी डाल दिया था। एक मैच, एक वॉर्म अप मैच होना है ऑन्टारियो के खिलाफ और दो वनडे मैचेस होने हैं कनाडा के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ी बात एंड यहाँ पर एक चीज जरूर आ जाती है जो अभी हमने सुबह वाले वीडियो में कहा, एक बार उस वीडियो को जाके जरूर सुनिएगा जो आज हमने सबसे पहला वीडियो डाला था रिवाइज शेड्यूल से पहले वाला। उस वीडियो के लास्ट के 3-4 मिनट हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज इस वीडियो के बाद जाकर जरूर जरूर सुनिए ताकि आप समझ पाए कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 3 वनडे से पहले क्या कुछ हो जाता तो ज्यादा बेहतर होगा, जहां पर एक बहुत बड़ी चूक कैंसिल जरूर हुई है। चलिए बैक टू द वर्क आते हैं, स्क्वाड एनालिसिस की बात करें। सबसे पहले तो आप एक बार 14 मैन स्क्वाड जो भी प्लेयर्स हैं उनके नाम ले लें, उसके बाद एक एक करके एनालिसिस शुरू करें। बिल्कुल, शुरू करें कप्तान सबसे पहले संदीप रामिचानी, उसके बाद आप आ जाएं रोहित पुड़ैल, जी हाँ वाइस कप्तान कुशल भुरतेल, आसिफ शेख, देव खनल, दीपेंद्र सिंह एरी, आरिफ शेख, करण केसी, सोमपाल कामी, आदिल अंसारी, बसीर अहमद, जी हाँ किशोर महतो, पवन शराफ एंड विनोद पंडा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये 14 मैन स्क्वाड जो है वो अनाउंस्ड हुई है इस टूर के लिए, जो कि कनाडा के खिलाफ मैचेस भी खेलेगी और साथ साथ में वर्ल्ड क्रिकेट लीग टू स्कॉटलैंड नामीबिया के खिलाफ भी खेलती हुई नजर आएगी। खैर, अब यहाँ पर अगर एक एक प्लेयर की बात करें, सबसे पहले संदीप रामिचानी कैप्टन है, कोई दो राय नहीं है, वो तो पिक होने ही थे। उसके बाद दूसरे प्लेयर की बात करें तो वो कौन? बिल्कुल, रोहित पुड़ैल, कोई डाउट नहीं है, सब प्राइम प्लेयर है, उनके बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो फिर जो आगे प्लेयर है उन पर ही हम बात नहीं कर पाएंगे। वहीं पर रोहित पुड़ैल की बात है, कुशल भुरतेल और आसिफ शेख। बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं, ओपनिंग प्लेयर हम उसी पर अपने स्टिक का और कायम है, वर्ल्ड कप लीग टू के एंड तक आप इसी प्लेयर को चला कर रखें, फिर उसके बाद रिपोर्ट कार्ड लेकर बैठेंगे कौन कितना चला, तो अभी भी कंटिन्यू। बिल्कुल सही, बिल्कुल। उसके बाद बात करें देव खनल, दीपेंद्र सिंह हैरी। बिल्कुल, देव खनल कुछ प्रॉमिसिंग उन्होंने दिखाया जरूर है, थोड़ा बहुत उनको अपने अंदर पेशेंस लाने की जरूरत है, थोड़ा ठहराव लाने की जरूरत है, थोड़ा समझ जाएंगे कंडीशंस को, लेकिन जाहिर सी बात है भाई बहुत ही नए हैं या वक्त के साथ साथ कुछ जल्दी और ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज भी है इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग टू का। उम्मीद करेंगे कि जो देखिए आपने जो गलतियां पहले की हैं अगर उसी को रिपीट करेंगे तो फिर आपका ये जो आप यंग हैं ये भी काम नहीं आएगा। बिल्कुल, ये भी काम नहीं आएगा, ये भी आपको डिफेंड करने के लिए काफी नहीं होगा, जस्टिफाई करने के लिए काफी नहीं होगा कि आपने जो एक गलती की उसे दोबारा की, कोई अलग गलती की है वो समझ में आता है, अगर आप एक ही गलती को बार बार रिपीट करें तो इसका मतलब क्योंकि यंग तो ज्यादा जल्दी सीखते हैं। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं देव को जरूर सीखना होगा, तो देव खनल बिल्कुल सही इंक्लूजन है, इसमें कोई दोहराई नहीं। दीपेंद्र सिंह एरी की मैं बात करूं, इस साल अब तक मोस्ट टी20 रन उनके बल्ले से दिखने हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग देश क्रिकेट खेलते हैं उन सब में सबसे ज्यादा टी20 रन दीपेंद्र सिंह एरी ने मारे हैं, सबसे ज्यादा चौके छक्के टी20 में दीपेंद्र सिंह एरी के नाम है, सबसे ज्यादा छक्कों की लिस्ट में उनका नाम है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर दूसरे फॉर्मेट में कहीं ना कहीं इसे ट्रांसफर करने में या आखिर नाकामयाब क्यों हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक चिंता की बात जरूर है। ऐसा नहीं है कि आप 30-35 पे आउट हो रहे हैं, बहुत कम में 4-5, कभी 0, कभी 2, कभी 8, यार तो कहीं ना कहीं 30-35-40 यहां तक भी पहुंचे तो हाँ टीम को एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। लेकिन अभी भी जैसे कि हमने भी कहा था कि स्कॉटलैंड दौरे में दीपेंद्र सिंह एरी को बिल्कुल रखना चाहिए और दीपेंद्र सिंह एरी लगातार यहाँ पर बने हुए, अब उम्मीद करें कम से कम अब इंपॉर्टेंट फेस है चल के दिखाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद बिल्कुल उसके बाद बात करें तो यहाँ आरिफ शेख आ जाते हैं और बेहतर, जिन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया था उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट लीग टू में यूएसए में शानदार रहा है, और उम्मीद करेंगे वो रन भी बनाए काफी टीम के लिए, और कर भी रहे थे, अकेले पड़ गए थे पिछली सीरीज में। वहीं बात करें अपने और प्लेयर्स की, करण केसी एंड सोमपाल का। बिल्कुल, यानी कि आप भी बात करें क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ा सा बॉलिंग डिपार्टमेंट आ रहा है। नहीं जरूर, देखिए इनका क्या कहना, इन दोनों की तो क्या ही जी हाँ, सोमपाल कामी से बस थोड़ी उम्मीद रहेगी कि बॉलिंग में थोड़ा बेटर करें, अब बहुत ज्यादा आपके एक आपकी कंडीशन पे अब आप जा रहे हैं, बॉलर्स के फेवरेबल कंडीशन पे आप जा रहे हैं, थोड़ा क्लाउडी होगा, थोड़ा वेदर चेंज होगा, हवा चलेगी, अचानक से धूप आ जाएगा, फिर बादल आ जाएंगे, तो इस तरीके का मौसम चलेगा, तो थोड़ा सा ये बॉलर्स के लिए फेवरेबल होगा बजाय बैट्समैन जी, खास करके पेसर्स की आप जी। तो करण सोमपाल तो पहले जिसने कहा कि प्राइम प्लेयर्स से उनपे टाइम क्या वेस्ट करना, अब यहाँ पर उसके बाद बाकी प्लेयर्स और कौन कौन से अगले, आदिल अंसारी एंड बसीर अहमद। बिल्कुल,
तो आदिल अंसारी को कहीं ना कहीं इस टूर में अच्छा परफॉर्म करने का मिला है और ऑलराउंडर है। सही है कि आपने बैटिंग को इतना क्लियर नजर आया है कि बैटिंग को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई है। पवन श्रॉफ की मैं बात करूँ, उनको एज अ बैकअप ओपनर रखा गया है जो बिल्कुल सही है। छोटे में लिमिटेड में काफी बेहतर करने की कोशिश की गई है। बसीर अहमद को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है जी, उन्हें भी बैटिंग आती है तो कहीं ना कहीं बैटिंग से वो भी कुछ ना कुछ हेल्पफुल करते हुए नजर आ सकते हैं। बॉलिंग को स्पिन डिपार्टमेंट संभालते हुए नजर आएंगे। दूसरे स्पिनर की अगर मैं बात करूँ, उसके बाद यहाँ पर आदिल आलम को तो लिया ही है। उसके बाद यार एक प्लेयर और है, किशोर महतो और विनोद भंडारी। किशोर महतो और विनोद भंडारी बहुत बेहतर किया है, मुझे लगी मुझे तो ये लग रहा था कहीं आप किशोर महतो को बाहर ना करते क्योंकि स्क्वाड में तो वो पिछली बार भी थे लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने को नहीं मिला। यहाँ पर कम से कम उम्मीद करेंगे कि वो चारों मैच खेलते हुए नजर आए। जी हाँ बिल्कुल, चारों मैच खेलते हुए नजर आए और पूरे 10 ओवर उन्हें मिले, पूरे 9 से 10 ओवर कम से कम उन्हें मिले, उन्हें टेस्ट दिया जाए, उन्हें बॉलिंग दी जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और इसकी शुरुआत अगर आप कनाडा के खिलाफ मैचेस से करें तो और बेहतर होगा। विनोद भंडारी कोई दोहराय नहीं है, बैकअप विकेट कीपर के तौर पर इस टीम में जाने चाहिए। वो विकेट कीपर बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। यूएसए में भी कुछ विकेट कीपिंग पर देखा था मैंने, विकेट कीपर वो बहुत ही शानदार है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। एज अ विकेट कीपिंग ऑप्शन बेहतर हो गए। एंड यहाँ पर एक चीज़ जो हम लगातार कहते आते हैं, स्क्वाड जो है आप चेंज कितने भी करिए, आपको अब हर टूर से पहले कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है, इनको लीजिए तो अच्छा करेंगे, इनको लीजिए तो अच्छा करेंगे, चांसेस नहीं मिलता वो बात अलग है। स्क्वाड भले ही आप कितने भी चेंज कर लीजिए, आप कितने भी टॉप टॉप नीचे के प्लेयर्स लें लेकिन परफॉर्म तो आखिर उन्हें भी बड़े लेवल पर आकर करना होगा। बिल्कुल करना, ऐसा नहीं है कि आपने किसी को उठा लिया तो अरे अब तो मैच जीत ही गए। जरूर, और खासकर बशीर अहमद और पवन श्रॉफ को मैं कहना चाहूँगा जिस तरीके से उन्हें लिया है टीम में, अभी लास्ट बहुत पहले वो खेले हैं और अब बीच में कोई ऐसा डोमेस्टिक या ऐसा कुछ खेल के नहीं आए हैं वो, अपने बात करें लोकल में अगर कोई डोमेस्टिक वहाँ होता है, नेपाल में अभी कुछ चल नहीं रहा है फिलहाल ऐसा अगर, लेकिन इतना रिस्क लेना और लेना ही पड़ेगा क्योंकि अब कोई अवेलेबिलिटी है नहीं तो आपको रिस्क ही लेना पड़ेगा, उसी के साथ जाना होगा। तो यहाँ पर विदाउट प्रॉपर गेम्स वही एक प्रैक्टिस गेम्स है, उसमें भी अगर देखिए मौका मिलता है या नहीं, क्योंकि संदीप को हमने देखा है तो वो फुल फ्लैश टीम के साथ ही ज़्यादा उतरना पसंद करते हैं, तो ये अजीब सा समझ में नहीं आता थोड़ा सा उनका कि प्रैक्टिस गेम्स में अदर को भी इनवाइट करें, उनको भी मौका दें, तब आप और हाथ खोल पाएंगे और आपके अदर प्लेयर भी अच्छी तरह से फिट और इस टूर पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर तैयारी हो सकेगी। पर देखेंगे हम कि आखिर होता क्या है वहाँ गेम में, पर मेरी नज़र खासकर इन पर भी रहेगी, बशीर और पवन पर, कि कैसा करते हैं अगर मौका मिलेगा तो, क्योंकि मुझे डर है परफॉर्मेंस शायद निकल के ना आए, इस बात का मुझे डर है क्योंकि बिना डोमेस्टिक कोई अभी मैच खेले इनको ऐसे स्क्वाड में लेना स्कॉटलैंड के दौरे में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रॉपर तैयारी के बिना लेना, मैं इसके बारे में कह रहा हूँ। जी हाँ, आप अभी ये सोचिए 15-20 रन मारे, एक आध विकेट ले लिया, टीम हार गई, क्या फ़ायदा हुआ, यही सबसे बड़ी बात होती है। आपको स्टैंड आउट परफॉर्मेंस करना होगा, इस तरीके के प्लेयर्स आपको टीम में चाहिए जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस कर सके, और इसी वजह से कहीं ना कहीं एंड जो नेपाल की टीम है उन्होंने कई सारे क्लोज मैचेस हारे हैं, कई सारे मैचेस लैक किए हैं, कई सारे पॉइंट्स गंवाए हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है टीम के साथ कि प्लेयर शुरुआत तो करता है 30-40 मारता है, उसे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, वो कुछ खराब शॉट खेल के या फिर अननेसेसरी कोई शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाते हुए नजर आते हैं। ये चीज से बचना होगा। वे बॉल डिपार्टमेंट की बात करूँ, 2-3 ओवर अच्छे गए तो उसके बाद वो बहुत ईजी हो जाते हैं, वो कहीं कहीं बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है आपको। और यहाँ पर कप्तानी का भी बहुत ज्यादा टेस्ट होने वाला है क्योंकि अब तक संदीप ने जितनी कप्तानी करी है उन सबको मिलाकर भी जितना होता है, जो भी अच्छी कप्तानी करी है उसका 100 गुना और मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैसी कप्तानी की जरूरत पड़ेगी आपको स्कॉटलैंड नामीबिया के खिलाफ, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग टीम के साथ सामना होने वाला है। एक तो ओडीआई की वन ऑफ द बेस्ट एसोसिएट टीम है और एक के पास वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक है ओडीआई में, अगर हम बात करें आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला, लेकिन देखना होगा क्या कुछ होने वाला है। लेकिन जैसे हमने पहले कहा कि एक बार जाकर आज का जो हमारा पहला वीडियो है उसके लास्ट के 3-4 मिनट एक बार जरूर सुनिए कि क्या एक चीज कैन ने मिस की है जो कहीं ना कहीं ये टीम इस दौरे में जाकर जरूर मिस करती हुई नजर आई। ओवरऑल स्क्वाड बिल्कुल सही है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। अब देखिए आप हर स्क्वाड में अगर नुक्स निकालना शुरू कर देंगे तो फिर वो भी गलत होगा, क्योंकि जहां सही है सही है, क्योंकि हमने पहले ही कहा आप स्क्वाड कोई भी ले लीजिए उनको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे मैचेस में हमने देखे हैं कि स्क्वाड बड़ी फुल मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ, हमारी इंडियन टीम को ही आप ले लीजिए, 2021 में ऐसा लग रहा था कि वाह क्या टॉप स्क्वाड गई है T20 वर्ल्ड कप के लिए, 2019 देखिए, 2019 में आप देखिए शर्मा विराट कोहली सब रैंकिंग में थे, क्या क्या बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ, और ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप देखिए 2015 में वो वर्ल्ड कप जीते, 2019 में हाल देखिए क्योंकि उनके भी टॉप टॉप रैंक प्लेयर है, श्रीलंका में जाकर उनका क्या हाल हुआ। तो ऐसा नहीं है, आप नाम कितने बड़े भी भर लीजिए स्क्वाड, आप सोचिए नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, भर लीजिए,
एट द एंड उन चार मैचेस के दिन में जो परफॉर्म करेगा वही टीम को आगे ले जा पाएगा। और खास करके दोनों डिपार्टमेंट में बात कर रहा हूँ, सिर्फ बॉलर चले बैट्समैन ना चले, बैट्समैन चले बॉलर ना चले तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एंड आगे तो काफी हम बातें जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी बॉलिंग जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा डायरेक्टली, लास्ट क्वेश्चन होगा, करण, सोमपाल, बसीर, संदीप, किशोर और पवन, दीपेंद्र सिंह यानी को वो कराते हैं दस ओवर पता नहीं क्यों, लेकिन चलिए हम तो कम से कम ना गिने, संदीप पवन गिराते हैं हम। मैं आपसे इन पांचों के बारे में पूछना चाहूंगा, ये पांच कॉम्बिनेशन आपको कैसे लग रहे हैं स्कॉटलैंड की कंडीशंस में? बसीर शायद लेफ्ट आर्मर है तो कहीं ना कहीं संदीप लेगी है, क्या कहेंगे? नहीं देखिए उम्मीद तो पेसर्स और लेगी से है ज्यादा बजाय ऑफ स्पिनर्स के, उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं है, पर हाँ विकेट देखना, पार्टनरशिप ब्रेकर हो जाए तो बिल्कुल बिल्कुल, पर विकेट देखना होगा, अगर ग्रीन टॉप मिल गया तो फिर आई एम सॉरी वो लेगी और पेसर से मदद मिलेगी, और जो मिडिल फेस होगा वहाँ काफी कंट्रोल रखने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि मिडिल फेस पे सबसे ज्यादा रन बनने वाले हैं अगर ग्रीन टॉप होता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मिडिल फेस में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कप्तानी की, बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट वाली कोचिंग की और बहुत ही बेहतरीन एग्जीक्यूशन की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जो बीच के फेस होंगे यानी जब बशीर अहमद, पवन श्रॉफ और दीपेंद्र सिंह यानी ये जब बॉलिंग करा रहे होंगे टारगेट स्कॉटलैंड का बिल्कुल वही ओवर्स होंगे आपको देखिएगा, लेकिन वहां पर देखना होगा किस तरह से कप्तान वहां कप्तानी का टेस्ट होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए क्रिकेट चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, आज का जो हमारा पहला वीडियो था उसको एक बार जाकर जरूर सुनिए, उसके शुरू के मत सुनिए क्योंकि उसमें बहुत लेट हो गए थे हम, तब तक न्यूज आ गई थी, लास्ट के तीन और चार मिनट आपसे रिक्वेस्ट है जरूर जाकर सुनिए कि क्या एक चीज टीम मिस कर रही है जो कहीं ना कहीं कैन से बहुत बड़ी गलती हुई है, उसका खामियाजा शायद आने वाले टूर पे मिलता हुआ देखने को आपको मिल सकता है। फर्क होता है कनाडा, स्कॉटलैंड और नामीबिया के बीच। फिलहाल इस वीडियो में